जैन समाज के सभी मित्रों सदस्यों के लिए और जैन समाज से जुड़े हुए उस हर भक्त के लिए, हर शिष्य के लिए और हर सदस्यों के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश है। मैं यह बात इसीलिए कहना चाहता हूं कि परसों 3 दिन पूर्व दिल्ली कैलाश नगर में घटना घटी। रात्रि के वक्त किसी प्रकार के अनर्गल क्रिया करते हुए किसी क्षुल्लक को पकड़ा गया, उसको वस्त्र पहनाए गए। आगम के अनुकूल यह क्रिया श्रावकों की नहीं है। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उस साधु को, उस भिक्षुक को उसके आचार्यों के पास पहुंचाया जाता है। वस्त्र पहनाने का अधिकार केवल उस आचार्य को होता है, श्रावक को यह अधिकार नहीं होता है। यदि श्रावक यह घटना करता है तो उसके जो कर्म बांधे जाते हैं उन कर्मों को निकाचित कर्म बोलते हैं और निकाचित कर्म तपस्या के द्वारा भी नष्ट नहीं किए जाते। इसी निकाचित कर्मों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी पर अतिमुक्तक शमशान में भव नाम के रुद्र ने उपसर्ग किया, भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ। निकाचित कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। जब साक्षात तीर्थंकरों को भी यह उपसर्गों का सामना करना पड़ा तो आपकी क्या हैसियत है? जो भी घटना घटी वह निंदनीय घटना है। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं कि वह उसके पात्र था, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन इससे पूर्व जब भी आप इस घटनाओं को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपलोड करके हमारे ही जैन धर्म का नुकसान करते हो, हानि पहुंचाते हो, तो आपको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह से लापरवाह घटना करता है, या कोई व्यक्ति आपकी माता, बहन, भाई, बंधु यदि किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल वार्ता करता है या कोई ऐसी लज्जास्पद बात करता है, तो क्या आप उसको पेपरबाजी करवाते हो? क्या आप उसको पड़ोसी से बात करते हो? यदि आपके घर में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, पति पत्नी के बीच संघर्ष हो गया, झगड़ा हो गया, और उसी समय आपके परिवार में कोई व्यक्ति सदस्य आकर के आपको कुशल क्षेम पूछता है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं भाई अभी हमने मारापीटी की है? नहीं ना। तो आप जब ये नहीं कह सकते हो, आप तो यही कहोगे कि सब कुछ कुशल मंगल है, आनंद में है, जबकि आप अभी अभी एक मिनट पूर्व मारामारी कर चुके हो, धोखा पीटी कर चुके हो। लेकिन फिर भी आप अपने घर की वह घटनाओं को बाहर नहीं लाओगे तो फिर किस आधार से आप जैन शासन को बदनाम करने वाली इस घटनाओं को तवज्जो देते हैं? कि बहुत सारे फेसबुक अकाउंट पर, बहुत सारे व्हाट्सएप पर इस तरह की अनैतिक चर्चा होती है। क्या रसगुल्ला मिलता है आप लोगों को ऐसी चर्चाओं को फैलाते हुए? आज आप वह चर्चा करते हो, कल आपके परिवार में भी ऐसी घटना घटेगी तो निश्चित रूप से उसको भी वायरल किया जाएगा, तो आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। पहले ही हमारा जैन समाज, हमारा जैन धर्म लज्जित हुआ है। हमारा जैन समाज में सबसे बड़ी लज्जित घटना घट चुकी है शांति सागर जी महाराज को लेकर के, और ऊपर से आप यह घटना कर रहे हो, तो क्या आपके जैन मुनि जब आप रास्ते से विहार करेंगे तो वो सुरक्षित रह पाएंगे? जब मैंने पहले ही कहा था 5 दिन 7 दिन पहले कि आपके जैन मुनियों पर उपसर्ग हो सकता है, और हुआ, अकोला में वो घटना घटी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि आप जैन धर्म की रक्षा करो, डुबाओ मत जैन धर्म को। जैन धर्म का अंत कोई और बाहरी व्यक्ति आकर के नहीं कर रहा है, कर तो आप रहे हो। क्यों इस मीडिया में इसे उछालते हो? यहां वो पकड़ा गया, वहां वो पकड़ा गया। अरे आप एक दिन के लिए ही क्यों ना हो जैन धर्म का सम्यक आचरण ही करके दिखा दीजिए। जैन धर्म के सम्यक दर्शन के अष्टांग में, सम्यक दर्शन के महत्वपूर्ण पायदान पर यदि हम नजर डालते, दृष्टिक्षेप करते हैं, तो महत्वपूर्ण पायदान है हमारा वात्सल्य। यदि हमारा वात्सल्य ही खत्म हो गया, प्रेम ही समाप्त हो गया, तो फिर हम जैन न रहे, हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो गया। और मलिन सम्यक दर्शन आपको 66 कोड़ाकोड़ी सागर में अवश्य परिभ्रमण कराएगा। तो कर्मों से बचो, इन कर्मों को तीर्थंकरों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, आपकी कोई औकात नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, जैन धर्म की सुरक्षा करो, जैन धर्म को कलंकित मत करो। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं, मजे ले ले करके आप ये पोस्ट वायरल करते हो, कमेंट्स करते हो, जैसे कोई आपको भगवान ने ऊपर से जज बना करके भेजा है और आप फैसला कर रहे हो। ध्यान रखो, जैन धर्म महान धर्म था, महान धर्म है और महान धर्म रहेगा। कुछ अनर्गल लोगों के द्वारा यदि मेरे धर्म पर इस तरह से कुठाराघात होता है, कुछ लोगों के द्वारा यदि यह अनैतिक घटनाएं होती है, तो सभी साधु एक कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि जब भी उपसर्ग होगा जैनियों के प्रति नहीं, जैनियों से नहीं होगा, लेकिन जैनियों के प्रति होगा, विधर्मियों के द्वारा। लेकिन जो उपसर्ग करेंगे, उपद्रव करेंगे, हमारे जैन धर्म पर हानि पहुंचाएंगे, उन्हें यह पता नहीं है कि श्वेतांबर है या दिगंबर है, उन्हें यह पता नहीं है कि 13 पंथी है या 20 पंथी है, उन्हें यह पता नहीं है कि पोरवाल, कासलीवाल, खंडेलवाल, सहितवाल कौन है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि यह जैन है और इसे हमें प्रताड़ित करना है। तो कहीं
न कहीं आप कर्म के भागी बनोगे। तो थोड़ी सी कहीं न कहीं जो लज्जा आप में शेष है उसका इस्तेमाल करो, उसका उपयोग करो और इस कलंकित घटनाओं से बाहर आओ। मैं तो उस कैलाश नगर वालों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो किया, आपके बुद्धि को जो भी उचित लगा आपने किया, मैं उसके लिए आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन आपने जो वीडियो बनाया वह बहुत 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 बुरा किया है। और आप, मैंने सुना भी था उस वीडियो में कि किसी ने कहा कि इसको वायरल मत करिए, लेकिन कुछ नादान प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिनको बड़े मजे आते हैं और इस तरह से वीडियो वायरल करते हैं। मेरे जैन धर्म को डुबाने वाले कोई भी प्रजाति हो उसे मैं नष्ट कर दूंगा। बस इतना याद रखो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म निश्चित है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इस धर्म की रक्षा करने के लिए यदि निचले स्तर पर भी जाना पड़ा तो अवश्य जाएंगे, पर जैन मुनि चाहे वो 13 पंथी हो या 20 पंथी हो, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। जब भी 13 पंथी साधु आपके यहां आता है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उनकी आहार और गोचर की व्यवस्था करें, उनके साथ उनकी सुरक्षा करें, उनका विहार करें। कोई 20 पंथी आता है तो उसको पंथ न पूछो, साधु को सिर्फ उसका ज्ञान पूछिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, यह वीडियो या पोस्ट या फोटो वायरल करके आपको कोई लड्डू मिलने वाला नहीं है, कर्म ही मिलेंगे और वह कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। बस जय पार्श्वनाथ, जय मां भारती।